हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑप्शन स्कैल्पिंग क्या पूरा दिन करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, अगर आप ऑप्शन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन स्कैल्पिंग करने का एक टाइमिंग होता है जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। मार्केट में वोलेटिलिटी क्या पूरे दिन होती है? नहीं, पूरे दिन वोलेटिलिटी नहीं होती। मार्केट जब स्टार्ट होता है खुलते टाइम तब वोलेटिलिटी होती है और थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी क्लोजिंग के टाइम होती है। तो स्कैल्पिंग करने का बेस्ट टाइमिंग जो होता है वो ये है, मॉर्निंग में आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए 9:15 से लेके 10 AM तक, यानी स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में। अगर आपकी कोई ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है तब आपको ये टाइम में वोलेटिलिटी के दौरान आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है एज पर योर ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अगर लेट्स से मॉर्निंग में आपने ऑप्शन स्कैल्पिंग नहीं किया तो फिर आपको डायरेक्टली आफ्टरनून में करना चाहिए 1:30 से लेके 3 PM। इस दौरान मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, कई बार आपने देखा होगा स्टार्टिंग से लेके 1 बजे तक 1:30 तक मार्केट फ्लैट रहता है, साइडवेज रहता है, रेंज बाउंड रहता है। 1:30 बजे बाद में 1:30 के बाद में एक शार्प अप मूव या फिर एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने मिलता है। तो मार्केट में जब वोलेटिलिटी होगी तब आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग करना चाहिए, ऑप्शन स्कैल्पिंग आपको पूरा दिन नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग के टाइमिंग के बारे में ये वीडियो में सीखने मिला होगा। ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लेना।